टेलीग्रो, दबाएं सब्सक्राइब का बटन और पाएं देश प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बिजनौर के मुख्य शक्ति चौराहा स्थित स्मर्दी साड़ी वाले के दामाद के खिलाफ उसकी ही दुकान के सामने खुद को NRI बताने वाली एक महिला ने धरना प्रदर्शन किया, जो कि 2.5 साल से लिविंग रिलेशनशिप में टिहरी व हरिद्वार में स्मर्दी साड़ी वाले के दामाद के साथ रह रही थी, जो कि टिहरी में बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता के पद पर कार्यरत है। NRI की महिला खुद को स्वीडन की मूल निवासी बता रही है और साड़ी वाले के दामाद के संपर्क में वह हरिद्वार में बिजली के किसी कार्य को लेकर आई थी, तभी से वह एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में करीब 2.5 साल से रह रहे थे। महिला का आरोप है कि उसके पार्टनर ने उसको कभी नहीं बताया कि वह शादीशुदा है और बच्चेदार है। जब महिला को इस बारे में पता लगा तो उसने पार्टनर से पूछने टिहरी गई तो उसने अपने साले व अन्य 3-4 साथियों के साथ उसके कपड़े फाड़ कर नंगा कर मारपीट की, जिसकी शिकायत पीड़िता ने टिहरी पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। और उनकी फैमिली के 4 और सदस्य ने मिलकर मेरे पर गैंग अटैक किया था, मुझे नंगा करके पीटा गया था टिहरी गढ़वाल में, जो एक केस बना था जिसमें टिहरी पुलिस करप्टेड हो गई और उन्होंने इनके खिलाफ एक भी एक्शन नहीं लिया। आप वैसे कहाँ के रहने वाले? मैं मूल निवासी स्वीडन की हूँ, मेरे पास स्वीडिश नेशनलिटी है, मैं स्वीडन की ही चलाऊंगी। तो आप इनके साथ कितने समय से रह रहे हैं? मैं राठी जी के साथ 2015 से जुड़ी हुई हूँ। किस तरीके से जो है संपर्क में आए थे आपके? बिजली का एक काम था जो मेरे मकान से रिलेटेड था, उसके चक्कर में मैं इनके पास गई थी काम करवाने और वहाँ मेरी जान पहचान हुई थी। अब आप क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहती हूँ। यदि यहाँ पे धरना देने से कुछ ना हुआ तो अगली किसी फॉरेन नेशनल को इंडियन सॉइल पर क्रिमिनल ऑफेंस है और इंडिया को जस्टिस देना पड़ेगा, इंडिया में ही और विद इन अ टाइम। ऐसा नहीं है कि फॉरेन नेशनल यहाँ बैठा रहेगा आपके लिए 20-20 साल। क्या आपने कोई पुलिस में कंप्लेंट कराई थी? मैंने पुलिस में काफी कंप्लेंट करवा चुकी हूँ, पुलिस मेरी कंप्लेंट्स तक मिस इंटरप्रेट करती है। बिजनौर में भी आपने कोई मुकदमा दर्ज कराया? आज मैंने बिजनौर की पुलिस को पूरा शुरू से पूरा बताया कि यहाँ से धमकियाँ आती है मुझे, स्पेशली कन्नौजिया फैमिली मुझे धमकियाँ देती है। क्या आपने क्योंकि रिटर्न में भी शिकायत की है इन लोगों के खिलाफ? मैंने आज रिटर्न में शिकायत करी है। सही कह रहे हैं।